प्रशांत सूखा खत्म हो गया कि हाँ। बॉलीवुड बॉयकोट टाटा बाय-बाय कि अभी और चलेगा हां देखिए मुझे तो लगता है कि जो बायकॉट ट्रेंड है उसका तो फिल्मों को फायदा हुआ है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सी ऐसी जगहें जो सोशल मीडिया पे बहुत इंगेज रहे हैं उनको भी पता चल गया कि ये फिल्में जो हैं वो आ रही हैं आपके बड़े पर्दे पर और जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हां कह सकते हैं ये सूखा खत्म हुआ है विन विन सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि ये अब इकोनॉमी जो है जो बॉलीवुड की ड्रिवेन हो रही थी केवल थिएटर से वो ओ से भी पैसा बना रही है लेकिन अभी भी आ, सबसे ज्यादा जो मुश्किल थी वो थिएटर बिजनेस से आ रही थी आ, फिल्में चल नहीं रही थी लेकिन ब्रह्मास्त्र ने जो ब्रेक थ्रू दिया है बॉलीवुड को उसके बाद तो लग रहा है कि चाहे किसी भी भाषा की फिल्म हो चाहे बॉलीवुड में हो चाहे साउथ से सिनेमा आ रहा हो हॉलीवुड की फिल्में हो सभी ठीक ठाक बिजनेस कर रही हैं कुछ कमाल कर रही हैं तो फटाफट से सबसे पहले मैं वो जरा कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों की तो इस हफ्ते दो फिल्में हैं जिन पर खास निगाहें हैं एक तरफ है साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म जिसमें सलमान खान का भी एक खास रोल है इस फिल्म का नाम है गॉडफादर और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो जबरदस्त हैं बहुत लिमिटेड बजट में ये फिल्म बनी है लेकिन सिर्फ दो दिन हुए इसे रिलीज हुए हुए पांच अक्टूबर को दशहरे के मौके पर यह फिल्म रिलीज हुई और वर्ल्ड वाइड पैंसठ करोड़ से ऊपर कमा चुकी है अकेले भारत में अड़तीस से चालीस करोड़ के आसपास केवल दो दिनों का कलेक्शन है दूसरी फिल्म जो रिलीज हुई है वो है गुड बाय जो कि बिग बी की फिल्म है आज रिलीज हुई है प्री रिलीज रिपोर्ट तो शानदार है रिव्यूज अच्छे मिले हैं लेकिन आ, फिल्म का जो मार्केट गर्म होना चाहिए उस तरह का नजर नहीं आ रहा रश्मिका मंदाना नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स हैं लेकिन फिल्म का जो ओपनिंग डे प्रोडिक्शन है वो थोड़ा लो लेवल्स पर नजर आ रहा है फिल्म जो है वो देर से दो करोड़ का कारोबार कर सकती है लॉन्ग रन में ये फिल्म हो सकता है एक अच्छा टोटल बनाए फिल्म कम बजट की है तो इसलिए रिकवरी आसान होगी अब बात करते हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई दो बड़ी फिल्मों की विक्रम वेदा वर्सेस पी एस वन पी एस वन मणिरत्न की ऐतिहासिक फिल्म और इस फिल्म ने धमाल मचा दिया है बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड तीन सौ बाईस करोड़ वो भी सिर्फ सात दिनों में अकेले भारत की बात करें तो दो सौ करोड़ के करीब ये बिजनेस कर चुकी है सवा सौ करोड़ के करीब विदेशों से इसने ऑन किए हैं वहीं विक्रम वेदा ठीक ठाक बिजनेस कर रही है लेकिन इस फिल्म ने जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह का कारोबार नहीं किया है फिल्म ने सिर्फ अब तक 90 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई की है भारत से जो कमाई का आंकड़ा है वो 60 करोड़ के आसपास जाता है लेकिन आज से टिकट प्राइसेस कम हो रहे हैं माना यह जा रहा है कि इन फिल्मों को इसका भी फायदा मिलेगा 20 से 30 परसेंट टिकट प्राइसेस स्लैश हुए हैं डेढ़ सौ रुपए की टिकट गुड बाय की होने वाली है ब्रह्मास्त्र ने भी ग्लोबल हिट का दर्जा पा लिया है लगभग 430 करोड़ के ऊपर कमाई जा रही है कई थिएटर्स में यह अभी भी लगी हुई है तो पैसे बहुत आ रहे हैं फिलहाल तो प्रशांत ये, ये जो एक ट्रेंड नीचे आ कह सकते हैं कि इंटेंसिटी नीचे तरफ जाती हुई दिख रही थी वो अब बदलता मतलब ऐसा लग रहा था कि लोगों का थिएटर से मोह भंग हो गया है वो वैसा कुछ अब नजर नहीं आ रहा है लोग थिएटर की ओर जा रहे हैं हाँ लेकिन एक चीज है कि बड़े पर्दे पर ये बहुत फिक्स हो गया है कि लार्जर देन लाइफ सिनेमा चलेगा बड़े पर्दे पर धूम धड़ाका चलेगा सिर्फ कहानी देखने बहुत से पिछली फिल्में आई जिनकी कहानी बहुत अच्छी थी लेकिन वो नहीं चली चल तो केवल कहानी देखने अच्छे-अच्छे किरदार और रियलिस्टिक सिनेमा देखने दर्शक अब ओटीटी का रुख कर रहे हैं वो थिएटर में नहीं जाएंगे इसमें क्या देख के आना चाहिए PS1 पी एस मेरे ख्याल से क्या है है क्या ये पी ये चोल डायनेस्टी पे एक फिक्शनल फिल्म अच्छा, है चोल डायनेस्टी पे आ, एक किताब है पी नाम से ही पोनियन सेल्वन नाम okay. से उन राजा की कहानी है और किस तरह से

आपको कोई मूवी जानी हो कुछ पूछना हो अपना कुछ व्यू पॉइंट रखना तो प्रशांत को आप बता सकते हो अभी तो समय नहीं मिल पाया तो तो अभी मैं देख नहीं पाया बिल्कुल अब प्रशांत जी की बातें सुन के बाते सुनके जरूर मैं आप ये वीकेंड पे सोच रहा हूँ कि एक मूवी देख ही लू कम हो गए अब 150 मतलब वो जो ह्यूज अमाउंट था उसको अब Uh, किया है उन्होंने कट किया बीस से तीस परसेंट uh, कम किया है टिकट तो प्राइसेस को लेकिन राजेश जी फिर वन आपका और रुचित <laughs> <देके laughs> <laughs> तो के साथ साथ हमारे साथ अब एक और मेहमान संजीव जी भी जुड़ गए तीन बजे उनसे भी तो बात करते हैं संजीव जी गुड आफ्टरनून आप है हमारे साथ प्रशांत है हमारे साथ और फ्राइडे हम प्लान कर रहे हैं बताइए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं संजीव जी चले संजीव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन इस वक्त बॉक्स ऑफिस का स्टेटस अगर आप देखेंगे विक्रम वेदा पी एस वन गॉड फादर और गुड बाय जैसी मूवीज हैं और इनफैक्ट गॉडफादर की आप बात कर रहे हैं अभी स्क्रीन तो मैं भी फुल देख ही रही हूँ अभी जस्ट मैंने प्रशांत आपसे hmm. बात की और चेक भी किया है तो थैंक्स फॉर दैट फ्राइडे आप कह सकते हैं एंटरटेनिंग है और कई सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं उनमें से एक मूवी का एक का